What's up? So, बहुत दिनों से मुझे एक गाना कुछ लोग डीएम कर परेशान कर रहे हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएंगे, लेकिन कुछ लोग मुझे डीएम करके बोल रहे थे कि अरमून फ्लिप भाई, तुमने इससे पहले इनके बहुत सारे फ्लिप सुने होंगे गानों के, ये रीमिक्स करते हैं डीएचएस सॉन्ग एंड व्हाट नॉट, बहुत सारे म्यूजिक को मिक्स करते हैं। इनका एक आया भोली से सूरत मिक्स ब्राजीलियन फंक स्टाइल, ठीक है। तो हमने सोचा ठीक है चलो फाइनली इसको कैमरा पे कवर ही कर लेते हैं, तो बाकी सारी बातें बाद में, लेट्स सी भोली से सूरत में क्या। तो बड़े हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हियर वी गो। नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत क्या करने वाला भाई, दुचचा 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 दुचचा। ये कहां से आ गया यार इसमें, ये तो घंटा मुझे ये लग रहा था कि ये गाना यहाँ पे आएगा विजय डी के। ओ मैन, क्या 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 पावरफुल स्टार्टिंग हुई है ब्रो यहाँ पे। क्या भीड़ बनाई है ब्रो, सब बेस इतना भयंकर आ रहा है गाने में। डूड लिटरली इमेजिन करो कि अगर एक गाना हो जिसमें विजय डी के और एमसी स्टैन साथ में हो, क्या फक फटेगा भाई वो गाना। मैंने अभी जिस कोलैब की बात करी उस कोलैब में अगर एमी वे को भी इमेजिन कर लो भाई, इंडिया का सबसे डीएचएच का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग बन सकता है भाई वो, अगर ये तीनों आर्टिस्ट साथ में आ जाए। डैम, ओ गाने कौन, अदाकारी ये कौन सा है, बस्ती का हस्ती है ना, बस्ती का हस्ती था। ऐसी बीट कर दी है इसकी कि मैं भूल ही रहा हूँ, पूरी ब्यूटी चेंज कर दी है, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहेगा बस्ती का हस्ती है, समझ गया मैं, है ना। और उसके बाद रूथलेस है मी वेट, ये गाना तो मेरी प्लेलिस्ट में जा रहा है वहाँ की आग भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। Damn, भाई इतनी ये मीगोस का कौन सा गाना था, फॉर द क्लाउड, ये वही वाला गाना है। अभी कौन सा गाना है, रुक जाओ डिस्क्रिप्शन में, डिड डू एनीथिंग फॉर द क्लाउड, ये वही वाला है क्या, वॉक इट लाइक इट टॉक इट, वॉक इट, ठीक है ठीक है ठीक है, भूल गया, काफी टाइम हो गया भाई इस गाने का आया हुआ, भूल गया था। भाई कसम से सॉन्ग सिलेक्शन क्या फक करे, काली निकल जाएगी बहन दर्द है ना, लाइक आप इमेजिन ही नहीं कर सकते अगला गाना कौन सा आना है, सारे बैंगर भाई साहब। अब इसके बाद क्या होना है, कुछ तो होता ही है सबके बाद। वटा यस, ये गाना जब स्टैन का सुना था ना, आई थिंक इसका रिएक्शन मैंने बना रखा, जब मैंने देखा मेरी जीप फट गई थी, आई वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस गाय डूइंग ब्रो, कोई भी ऐसा कुछ भी सपनों पे भी नहीं कर रहा था जो स्टैन इस टाइम पे कर रहा था। ये 6 on 6 है ना,
What are 646? Sorry, 646, yes. लेकिन ये चीज़ें पता है मैं जितने राउंड से बात करता हूँ सब सेंट्रल सी सुनते हैं लाइक ये आर्टिस्ट इंडिया में इतना पॉपुलर होना अगर ये इंडिया में शो वो करे भाई इतनी जनता आने वाली है। ये तो नहीं होना था, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना था। तो पता है ये म्यूजिक ऐसी चेंज कर दी बंदे ने कि भाई मुझे ओरिजिनल गाने नहीं याद आ रहे कि गाना है कौन सा है। भोली से सूरज 10 पे 10 ओके ठीक है। खत्म भाई। अरमून क्लिप टू गुड ब्रो, यू किल्ड इट मैन, यू किल्ड इट ब्रो। ये गाना तो भाई फक था ब्रो, लाइक छोटा सा गाना, 2.5 मिनट का गाना, लेकिन 2.5 मिनट ऐसे जाने वाले ना तुम्हारे, खाली प्योर एनर्जी, शीयर पावर, क्या वर्सेस पिक करे थे है ना। और जो वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स, लाइक अदाकारी से शुरू करा, इतना पावरफुल शुरू, और सरप्राइज स्टैन, सरप्राइज एमएवे, सरप्राइज डिवाइन, सरप्राइज कृष्णा, सब, और इतना फ्लॉलेस। एक जगह उल्टा सीधा नहीं साउंड कर रहा था। जनरली मैंने क्या देखा ना यार, जो इस टाइप के फ्लिप्स होते हैं ना, इसमें आवाज क्लियर नहीं आती है ना, या फिर आवाज जो है पतली हो जाएगी, थोड़ा चेंज लगेगी, लोगों की आवाजें बदल जाएंगी वो सेम स्केल में डालने के लिए। लेकिन इस वाले में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा पावरफुल। आई रियली विश कि इसको, इस वाले गाने को, अरमून फ्लिप के इस पर्टिकुलर वाले को, और DHH की जनता एक्सप्लोर करे, क्योंकि ये फटने वाली चीज बनाई है भाई ने, बहुत ही सही, बहुत ही टाइट, पक्का फटने वाला गाना। बाकी जैसा भी था जैसा नहीं था, आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या मजा आया या फिर हैवी था, मतलब क्या ही था, ऐसा वाला सीन नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई। जैसा भी लगा कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है @FAQNOBRO। कितनी बार मैं बोलूँ, ठीक है, चलो बाय, पीस।